brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. आज पिंजौर की शहर की इस सभा में जिस तरह का प्यार आशीर्वाद जनता का मिला है, मुझे पूर्ण विश्वास है डॉक्टर किरण पूनिया को अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक बहुमत से लोग अपना सांसद चुनने का काम करेंगे और आगामी 25 तारीख को एक एक वोट चाबी का बटन दबाकर पंचकुला की आवाज़, अम्बाड़ा की आवाज़ इकट्ठी हो हरियाणा की आवाज़ बनेगी। और जिस तरह से केंद्रीय दलों का आज राष्ट्रीय दलों का यहाँ कब्जा रहा और वहाँ जाकर उन लोगों ने कभी क्षेत्र के विकास उन्नति की सांसदों ने बात नहीं करी, आज अवसर है अम्बाड़ा लोकसभा के पास कि वो मजबूती के साथ अपना सांसद भी चुने और डॉक्टर किरण पूनिया जी को जिताए 25 तारीख को और एक नया इतिहास अम्बाड़ा लोकसभा का रच। जगह जगह पे जो बीजेपी कैंडिडेट जा रहे हैं, चिरंजीवी चौटाला जी, अम्बाड़ा से बंतो कटारिया जी का मौलाना में विरोध हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, आज के दिन लोकतंत्र में सबको विरोध का अधिकार है, पर जिस तरह की घटनाक्रम उचाणा में हुई, हमारी महिला प्रधानों पे पत्थर मारे गए, कपड़े फाड़े गए, बड़ा निंदनीय है। और मैं तो सभी किसान नेताओं से आग्रह करता हूँ, चुनाव में विरोध करने के तरीके अनेक हैं, आप शांतिपूर्वक विरोध भी कर सकते हैं, वोट के माध्यम से विरोध कर, पर इस तरह का घटनाक्रम की निंदा करना ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। अगर ये लोग आपके मोटिवेटेड हैं तो फिर ये साफ हो चुका पॉलिटिकली मोटिवेटेड इस तरह के घटना। आज कैबिनेट की बैठक है बीजेपी की, तो आप नई आबकारी नीति लाने की कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी तो आने दो, और ड्यू है और आज देखते हैं कि क्या बदलाव उस पॉलिसी में लाए जाएंगे। पूछो तो सर, यहाँ पर आप विकास कार्य की बात कर रहे हो, तो यहाँ की सड़कें हैं जो जीवन रेखा है, उनकी 4.5 साल में हालत ही नहीं ठीक हुई, इसके बारे क्या करना? दिन कालका विधानसभा क्षेत्र में 350 करोड़ से ऊपर की लागत से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और मुझे खुशी है कि पिछले 3 टर्म का मिला ले उसके बराबर का विकास करे 1 टर्म में हमने करके।